में रखेंगे, जैसे कि पेस्ट हुआ, ये पेस्ट को हम घर में रखेंगे, जैसे ये एस्पायलूना हुआ, इसको हम घर में रखेंगे। आज के डेट में बुखार का बहुत सारा समस्या फिर आ रहा है, क्योंकि अभी धूप हो रहा है, कभी सर्दी कभी पानी का मौसम है, तो हर एक लोग में मिल रहा है बुखार। तो कभी भी बुखार ज़्यादा होने पर आपका दवा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दवा खाने से क्या होता है और ज़्यादा तबीयत बिगड़ सकता है। अगर आप उस समय में आप जो है एस्पायलूना और ये गिलोई का सेवन कीजिएगा और ये एस्पायलूना को सेवन कीजिएगा, तो आपका जो है बुखार भी नॉर्मल हो जाएगा, कभी आपका कमजोरी महसूस नहीं होगा। और ये पेस्ट जो आपके घर में रहेगा, तो ये पेस्ट भी आप जो है बहुत काम करेगा, क्योंकि ज़्यादा बुखार होने पर कहता है पानी का पट्टी देना चाहिए। अगर ये पेस्ट रहेगा आपके परिवार में आपके घर में, तो आप क्या कीजिएगा, थोड़ा पेस्ट निकाल लीजिएगा और प्लेट में घोल लीजिएगा थोड़ा पानी के साथ, सर में, माथा में, तलवा में, कांख में, सारे जगह लगा दीजिएगा। उससे क्या होगा, आपका बुखार भी नॉर्मल हो जाएगा, हो सके तो थोड़ा सुसगरम पानी के साथ आप जो है उसे घोल कर भी पिला दीजिएगा, आपका कोई परेशानी नहीं होगा, आप नॉर्मल तरीका से आपका बुखार भी गिर जाएगा और आप नॉर्मल तरीका से ठीक भी हो जाइएगा। छोटा छोटा प्रॉब्लम में आपका इंग्लिश दवा का बार बार सेवन करना अच्छी बात नहीं होता है। जो समझदार व्यक्ति है अभी भी इस बात को समझता है, और जो उसको पास समझ नहीं होता है, इंग्लिश दवा खाने से, खान पान के गलत सेवन करने से हमारा शरीर जो है प्रॉब्लम को ओर जाता है, और वही खान पान हमारे शरीर में अनेक रंग का प्रॉब्लम को पैदा करता है। अगर आप चाहते हैं जो हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम ना हो, आने वाला समय में हमारा कभी डॉक्टर का चक्कर ना लगे, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि हमारा जो कमाया हुआ पैसा है वो तो डॉक्टर में जाता ही है, साथ में हम लोग का परेशानी भी बहुत होता है। जो आदमी एक बार डॉक्टर के चक्कर में जाते हैं, वो आदमी बहुत सा परेशानी झेलता है। अगर आप इस चीज़ को अपने परिवार में रखते हैं, तो आपका कोई समस्या नहीं होगा और आप बिल्कुल अच्छे रहिएगा, ठीक रहिएगा, क्योंकि ये जो है डिएक्शन प्रोडक्ट हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर इस चीज़ में आप सेवन करते हैं, तो आपका शरीर जो है बहुत जो है आने वाला समय में कोई बीमारी में नहीं जाएगा, और साथ में जो है हमारे परिवार के सबसे महत्वपूर्ण तेज ये